ये सुरिल देसाई जिन्होंने ये बनाई हैं, इन्होंने 2 साल पहले ही शुरू की हैं और इसी अस्पताल में उनका एक बहुत बड़ा एक सर्जरी हुई थी और उसके बाद से पता नहीं उनके अंदर से क्या एक तूफ़ान निकला। और मतलब मेरे फादर भी पेंटर हैं इसलिए मैं पेंटिंग का प्रोसेस जानती हूँ। तो एक जो स्पॉन्टेनिटी जिसको कहते हैं कि बिल्कुल दिल से, जिसमें आप ज़्यादा सोच के इंटेलेक्चुअलाइज ना करके टेक्निक में ध्यान ना देके, लेकिन एक प्योर जो एक एक्सप्रेशन होता है, एक जो दिल की बात जो मतलब ना उसको शब्दों में कही जा सकती है ना उसको समझाया जा सकता है, ऐसी चीज़ को उन्होंने अपने पेंटिंग के ज़रिए एक्सप्रेस किया है। तो वो आप देख ही रहे हैं कि कितना खुलापन है, कितनी आज़ादी है इन तस्वीरों में, कितने रंग हैं। अभी मैं उनसे बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ होली खेल रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से हम सबके लिए एक सीख है। आजकल की दुनिया में हम सब बहुत बंध गए हैं, किसको क्या कहें, ना कहें, कैसे कहें, कैसे अपने आप की बात व्यक्त करें। तो इस हिसाब से मुझे तो लगता है ये देख के सब इंस्पायर होंगे कि हम भी पेंटिंग करेंगे। ऐसा कोई मैसेज नहीं होता है, मैसेज अगर हम मैसेज के बतौर, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कहानी हो, चाहे पेंटिंग हो, वो कर देंगे तो बहुत ऐसा हैवी सा एक लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि कोई हमको कुछ कह रहा है और हमें नहीं अच्छा लगता जब हमें कोई कुछ कहता है। इसमें एक अपनी उन्होंने बात रखी है, एज अ व्यूअर, एज जैसे हम दर्शक हैं, हम देख रहे हैं, हमें हर पेंटिंग से कुछ अलग लगेगा। आप वही तस्वीर देखेंगी, आपको कुछ अलग महसूस होगा, मुझे कुछ अलग महसूस होगा, और वही तो खासियत है एक पेंटिंग की। कुछ पेंटिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, कुछ मुझे अच्छी लगेगी। तो पेंटिंग जब देखते वक्त अपना दिमाग इतना नहीं लगाना चाहिए, दिल लगाना चाहिए और आँखों को बिल्कुल एक सुकून मिले, ऐसी एक मतलब ऐसा एक प्रोसेस होना चाहिए। और आई थिंक इसमें मुझे तो जो समझी हूँ, मुझे उसमें फ्रीडम, मतलब ये शब्द मेरे मन में सबसे पहले आया जब मैंने देखा कि किसी ने पूरी आज़ादी से अपने आप को एक्सप्रेस किया है और हमें भी अपनी वो आज़ादी कहीं ढूंढनी चाहिए और अपने अपने ज़रिए ढूंढने पड़ेंगे एक्सप्रेस करने के। मैं चाहे फिल्म बना के करूं, आप कुछ लिख के या कुछ दिखा के, हम सब कैसे और आज़ाद हों अपने दिलो दिमाग से, उसके बारे में मुझे लगता है कि इसमें एक प्रेरणा मिलेगी, हमें एक इंस्पिरेशन मिलेगी। ये बहुत ही एक टिपिकल क्वेश्चन होता है कि आपका फेवरेट क्या है। मैं तो एकदम मतलब आई एम अ बिग चैम्पियन ऑफ जिसको कहते हैं कि वैरायटी। हमें क्यों चूज़ करना चाहिए कि कौन सी हो सकता है मुझे मंगलवार को वो ज़्यादा पसंद आए और सोमवार को ये लगे, सुबह ये लगे, तो ऐसे कोई नहीं। कुछ पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो कुछ पेंटिंग्स एकदम जैसे दिल को छू जाती हैं या लगता है कि इसमें कुछ है ऐसा, तो मैं ऐसे एक दो आपको दिखा सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप उनकी पेंटिंग भी देखते जाइए मेरे साथ। अब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा, तो ये गलत होगा कहना। ये बिल्कुल कुछ अलग कह रहा है, ये बिल्कुल कुछ अलग कह रहा है, तो आप मुझे एक्चुअली ये फेवरेट के उसमें मत फंसाइए। मुझे सारी पेंटिंग्स अलग अलग लेवल्स पे अच्छी लगी। अभी कुछ नहीं, अभी बस मैं लिख रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली इंडियाज गॉट कलर, ऐसे जो रंग का हमारा जो ऑब्सेशन होता है फेस स्किन, उसके बारे में एक छोटी सी 2 मिनट की फिल्म बनाई है जिसमें हर रंग को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक तरह से यही है, इंडियाज गॉट कलर जैसे है, इसमें सुरिल्स गॉट कलर। थैंक यू। कोई मैसेज नहीं है, बस दिल की सुनिए। इस एग्जीबिशन से मैं यही इंस्पायर्ड हुई हूँ कि अपनी दिल की सुनिए और दिल की कहिए, कहना भी उतना ही ज़रूरी।